आयुर्वेद में गिलोय के कई तरह के फायदों के बारे में बताया गया है, जिनमें से एक बड़ा फायदा ये है कि ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। ऐसे में बहुत से लोग ऐसे हैं जो इम्यूनिटी को बूस्ट करने और संक्रमण से बचने के लिए ज्यादा मात्रा में गिलोय का सेवन करते हैं, जो सेहत के लिए काफी नुकसानदायक साबित हो सकता है। हाल ही में अमेरिकन एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ लिवर डिजीज के आधिकारिक पत्रिका हेपेटोलॉजी कम्युनिकेशन में पब्लिश्ड एक स्टडी में पाया गया कि बिना डॉक्टर की निगरानी के गिलोय का सेवन आपके लिवर को नुकसान पहुंचा सकता है। आइए जानते हैं इसके बारे में और भी बातें। सबसे पहला, क्या है गिलोय? गिलोय को अमृता या गुरुची के नाम से भी जाना जाता है। ये एक जड़ी बूटी है जो पाचन में सुधार और इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करती है। इसमें दिल के आकार के पत्ते होते हैं जो पान के पत्तों के समान लगते हैं। आयुर्वेद में गिलोय के पौधे के सभी भागों का उपयोग किया जाता है, हालांकि इसकी जड़ को सबसे ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। गिलोय का सेवन लोग जूस, काढ़ा, चाय के रूप में करते हैं और कुछ लोग इसके तने को कुचलकर रात भर भिगोकर रख देते हैं और अगली सुबह गिलोय का पानी पीते हैं। गिलोय को उगाना आसान है, इसे गमले या सीधे जमीन में दोनों तरह से उगाया जा सकता है। अगला सवाल, क्या कहती है स्टडी? ये स्टडी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी समेत 13 मेडिकल सेंटर्स में लिवर रिसर्च क्लब ऑफ इंडिया द्वारा की गई थी और ये अध्ययन 43 मरीजों पर किया गया, जिनमें 23 महिलाएं और 20 पुरुष शामिल थे। इन सभी लोगों में पीलिया के लक्षण थे। जांच में पाया गया कि सभी लोग क्रॉनिक लिवर डिसीज या लीवर फेलियर की समस्या से पीड़ित थे और ये सभी लंबे समय से गिलोय का सेवन कर रहे थे। अगला सवाल, क्या कहते हैं एक्सपर्ट? KGMU में गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अजय कुमार पटवा ने कहा कि हमने पाया कि 67.4% रोगियों में लीवर की समस्याओं का मुख्य कारण गिलोय था। इन लोगों को डायबिटीज, थायराइड, हाई ब्लड प्रेशर जैसी कोई भी समस्या नहीं थी और ना ही ये लोग शराब का सेवन करते थे। प्रोफेसर अजय कुमार पटवा ने यह भी बताया कि इनमें से अधिकांश लोगों ने डॉक्टर के परामर्श के बिना काफी लंबे समय तक गिलोय का सेवन किया, जिससे इनके शरीर में एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज उत्पन्न हुई, जिसने लीवर के सेल्स पर अटैक करना शुरू कर दिया। गिलोय निश्चित रूप से आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद कर सकता है, लेकिन इसका सेवन करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से जरूर परामर्श करें। अपने मन से गिलोय का सेवन करने से बचें। साथ ही इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए मन मुताबिक चीजों का सेवन ना करें। इसके लिए पहले अपने डॉक्टर से बात करें, उनके द्वारा सुझाई गई चीजों का ही सेवन करें।